चलिए अब बात करते हैं आज की सकारात्मक खबरों पर। हिसार का मिशन ग्रीन फाउंडेशन पर्यावरण को बचाने के लिए एक अनोखी मुहिम को लेकर मैदान में उतरा है। मुहिम को हिसार के योगी सहजानंद नाथ चला रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गमलों के बीच घूमते नजर आ रहे ये हैं हिसार के रहने वाले मिशन ग्रीन फाउंडेशन के फाउंडर योगी सहजानंद। सहजानंद ने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन ग्रीन फाउंडेशन बनाया है, जिसके जरिए लोगों को पौधे लगे गमले बांटे जाते हैं। मिशन ग्रीन फाउंडेशन ने निर्णय लिया कि वो पर्यावरण के लिए वो मिसाल बनेगी कि आने वाले वक्त में लोग बताएंगे कि इस फाउंडेशन ने कार्य किया। इसी के मद्देनजर हमने हिसार को एक पायलट बना के हम हर घर में हर दुकान पे एक गमला एक पौधा लगाने का प्रोग्राम बना रही है। योगी सहजानंद अपने मिशन के तहत सीमेंट से बने गमलों को अपने ही आश्रम में तैयार करवा रहे हैं। योगी सहजानंद ने 1,00,000 पौधों को हिसार के हर घर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हिसार के बाद वो अपने इस अभियान को हरियाणा और NCR इलाके में ले जाने की तैयारी में है। अपने अभियान को लेकर योगी जगह जगह कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। इस अभियान को लेकर उन्होंने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा से भी मुलाकात की। हालांकि सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है, वन विभाग भी बहुत प्रयत्न कर रहा है, पर्यावरण मंत्रालय भी बहुत प्रयत्न कर रहा है, और खास बात है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु उसमें कुछ और करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार जो स्वच्छता का अभियान शुरू कर चुकी है, पर्यावरण को लेकर इतना सब कुछ कर रही है, उसमें सिर्फ थोड़ी सी स्पीड और हम किसी तरह प्रकृति से बच्चों को जोड़ पाए, मानव के मौलिक मूल्यों को प्रकृति के बारे में उनको समझा पाए, तो हमें लगेगा सरकार और हमारा किया हुआ सफल हो गया। बहरहाल योगी सहजानंद अपनी फाउंडेशन के जरिए लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग करने में जुटे हैं, लेकिन अकेले योगी सहजानंद के प्रयासों से कुछ नहीं होगा। जरूरत है कि हम सब भी आगे आएं और पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग दें। हिसार से रोहित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।